बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज मैं किसी किस्म की कुकिंग नहीं कर रही, बल्कि आपको रसूल बिराज का बहुत खूबसूरत व्यू दिखाऊंगी। ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे दो नहरें मिल रही हैं। तो जी व्यूअर्स, ये जो नहर है ये अपर जेलम की, ये रसूल बिराज से निकल के अब जनूबी पंजाब तक जाएगी। और ये कैसी लोकेशन है जिसमें दरमियान में रोड है और दोनों तरफ जो है वो नहर है। ये मैं आपको इस साइड पे भी दिखा देती हूँ व्यू। यहाँ से ये जनूबी पंजाब की तरफ जा रही है। इस एरिया का नेम है 8RD। ये महकमा अनहार ने इसको ये नेम दिया है। और ये आप देख सकते हैं दो नहरों का हसीन संगम है जहाँ दो नहरें मिल रही हैं। क्या नाम है जी इस मछली का? रेट क्या है इनका? 450-460। भाई इसका क्या नाम है? ये सामने पीस पड़ा हुआ है मल्ली। कितना वजन होगा इसका? 5 किलो। माशाल्लाह, बहुत पकड़ी है ये। इधर इधर से इधर से ही पकड़ी है ना? माशाल्लाह। ये जो फिश को मैरिनेट किया हुआ है, अभी हम उनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह से इसको मैरिनेट किया है। जी भाई, इस पे आप क्या स्पेशल मसाले लगाते हैं जो आपकी इतनी मशहूर है? नमक ला रहे हैं, इसमें काली मिर्च ला रहे हैं, थोम, जीरा, अजवाइन, ताकि सी पहले रेडी करके रख लेने हैं। और अदरक का पानी होता है थोड़ा थोम का। और इस मछली का क्या नाम है? ये गुफाम है। ये रो सही है, ये दोनों मोटे कंडे नहीं है। सही है, ये दरिया दी है, ये फार्म दी। सही है, चले इंशाल्लाह ट्राई करते हैं आपकी किस तरह की आपकी है। सूरबीराज की अब हम बिल्कुल सामने आ गए हैं। सन 1965 से सन 1968 के दौरान ये कंप्लीट हुआ है और मुख्तलिफ कंट्रीज ने हेल्प से ये बना है। पानी फुल प्रेशर से आ रहा है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अब इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।